Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you all doing very well. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग. सो अभी शाम के 4 बज रहे हैं, और शाम के कह लें या दोपहर के कह लें, अब यहाँ पर जो है ना, क्योंकि 4 बजे ही ऐसे ही जो है ना डार्क होना शुरू हो जाता है पार्क, क्योंकि समर में तो ये दोपहर ही होती है और रात तक यहाँ पर जो है ना 9 बजे तक डार्क होता है. लेकिन विंटर्स में तो ऐसे ही बाय अभी मैं जैसे ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, साथ ही बाय डार्क होना शुरू हो जाता है. मुझे सुबह के टाइम तो ब्लॉग शूट करने का भी कभी कभार टाइम नहीं मिलता, तो आज सुबह से मैं सोच रही थी कि ब्लॉग स्टार्ट करना है करना है करना है, तो फिर मुझे ये अभी ना 4 बज गए हैं ब्लॉग स्टार्ट करते हुए. एनीवेज, मैं यहाँ पर राहत के लिए बना रही थी चिकन बर्गर, और राहत अभी स्कूल से आया. राहत को 2:45 पे स्कूल से ऑफ होता है, तो घर आते आते उसको 3 बज जाते हैं. घर आकर वो फिर अपना ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, शावर वगैरह मैंने उसको देना वो दे देती हूँ, और फिर उसके बाद उसको खाना खिलाती हूँ. तो खाना मैं उसको सुबह बना के रख देती हूँ, जो भी उसने खाना होता है दोपहर के टाइम, सालन होता है उसका, जो भी रोटी वगैरह होती है, मैं सारी चीज़ें सुबह प्रेप करके रख देती हूँ उसकी पहले से ही. और लेकिन आज उसका मूड नहीं था कुछ भी ऐसा खाने का, तो मुझे कह रहा था आज मेरे लिए बर्गर बनाते ना मामा, मैंने आज बर्गर ही खाना है. तो आज जब से आया हुआ था तब से उसकी यही इज्जत थी कि आज मैंने बर्गर खाना है. तो मैंने जाली शीट्स निकाली हैं, बहुत क्विकली उसके साथ ना बड़े मज़े के बर्गर्स बनते हैं. तो उसके लिए सबसे मैंने प्याज को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, जाली शीट्स को कट करके इसमें डाला और उसको फ्राई किया. इसमें फिर मैंने ब्लैक पेपर्स डाल देते, थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन पाउडर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट डाला और थोड़ी सी केचप वगैरह डाल के उसको फ्राई कर लिया. और बर्गर के ऊपर मैंने मायनीज, मस्टर्ड पेस्ट और थोड़ी सी केचप का स्प्रेड लगा दिया था बस. तो मज़ेदार सा जो है ना ये बर्गर बनता है, बहुत बिल्कुल इस तरह होता है जैसे स्टेक बर्गर्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं. चीज़ मैंने ऐड किया था इस पर, और जब चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया था और फिर मैंने इसके ऊपर ये जो है चिकन लगा दिए, और ये हो गया बर्गर रेडी. साथ में मैंने इसके लिए फ्राइज बना दिए थे. सोहत का डिनर और लंच बस यही होता है, उसने इस टाइम ही खाना होता है, और उसके बाद फिर उसने या तो फ्रूट्स खाने होते हैं या कुछ स्नैक्स में ले लेता है, या तो फिर प्रोटीन शेक अपना लेता है, और फिर वो सो जाता है. 8 बजे उसने सोना होता है, तो इसलिए इसके बाद मैं इसको कोई हैवी फूड नहीं देती हूँ. अभी बाय वॉलमार्ट की ग्रोसरी आई थी, तो मैं वो पिक करने आई थी. मैंने ये सुबह ऑर्डर कर दी थी, कुछ बेसिक चीज़ें थी जैसे मिल्क हो गया और ब्रेकफास्ट का कुछ थोड़ा बहुत सामान था वो मैंने ऑर्डर किया था. तो मैं टाइम सेलेक्ट करती हूँ कि किस टाइम में अवेलेबल होंगी, उस टाइम पे मैं ग्रॉसरी भी रख सकती हूँ, तो वो ही टाइम में अपने लिए सेलेक्ट करती हूँ ताकि मेरे लिए भी ईजी हो ग्रॉसरी रखना. पीनट बटर मैंने ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर किया था, और ये इतना बड़ा जार आ गया, और मैं कह रही थी यार इतना बड़ा जार मैं कैसे फिनिश करूँगी, क्योंकि छोटे जार हो ना तो वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप न्यू ले लें तो या तो एक्सपायर हो जाते हैं. तो मेरे पास इतना बड़ा आ गया, मैंने गलती मेरी से हुई क्योंकि मैंने देखा ही नहीं कि कितने आउंस का है, और मैंने बस ऐसे ऑर्डर कर दिया. तो इतना बड़ा जार मैं सोच रही थी कैसे ख़त्म होगा अब, तो रिटर्न करवाने के लिए जाना पड़ेगा खुद, तो वो फिर बहुत लंबा काम हो जाता है. एग्स ना हम लोग कॉस्को से ही लेकर आते हैं, और वर्थ में भी वहीं से करते हैं, क्योंकि फिर मुझे बार बार यहाँ से ऑर्डर करने पड़ते हैं, वहाँ पे मुझे बड़ी पैकेज में एग्स मिल जाते हैं और वो फिर काफ़ी टाइम तक यूज़ होते हैं. लेकिन ना इस बार जब हम लोग कॉस्को गए तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे एग्स, तो बिल्कुल ही जो है ना उनके पास स्टॉक ख़त्म हुआ था. पहली बार ऐसा हुआ उनके पास एग्स का स्टॉक ही नहीं था, कि मैं सोच रही थी यार ये लोग इतना एग्स खाते हैं कि इस बार सारे एग्स ही ख़त्म हो गए हैं, तो उनके पास नहीं, तो फिर मैंने यहीं से ऑर्डर कर लिए थे. सो अभी मैं खाने की भी तैयारी करनी है, आज का मैंने डिनर रेडी नहीं किया हुआ, तो अभी ग्रॉसरी संभालने के बाद मैंने अभी खाना बनाना है. और आज मैं बना रही हूँ फिश, फ्राइड फिश बनाऊंगी साथ में चिक पीस राइस, तो वो मैं आपकी साथ रेसिपीज भी शेयर करूंगी. तो फिश की मैरिनेशन के लिए मैं सबसे पहले जो है ना सारे मसालों को पीस लूंगी, तो मैं आपके साथ की रेसिपी शेयर कर देती हूँ. मैंने यहाँ पे साबुत धनिया लिया है, साबुत जीरा लिया है, ठीक है, और थोड़ा सा नमक इसमें डाला है, गरम मसाला पाउडर डाल दिया था, हल्दी डाली है, और ये जो गोल वाली जो रेड चिलीज होती है ना वो डाली है. साथ में मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है, और उसमें मैंने डाल दी है अजवाइन. अजवाइन ज़रूर ऐड करनी है आपने. और बस ये सारी चीज़ों को हम मिक्स करके ना पाउडर बना लेंगे. ये वाली मैरिनेशन आपने ज़रूर बनानी है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, इतनी मज़े की फिश बनेगी कि आप मुझे फिर बाद में दुआएं देंगे. एनीवेज, यहाँ पर जो है ना मेरे पास जो फिश है ना मैं फ्रेश लेके आई थी लोटे प्लाजा से,
और ये रहू है, तो ये साथ में मैं डाल रही हूँ। एक बाउल में मैंने लेमन डाला है, स्क्वीज कर लिया था, जो मैंने मसाले पीस के रखे हैं ना वो मैं इसमें डाल रही हूँ। फ्राइड फिश आपने लेनी है, उसका शान का मसाला, नेशनल का मसाला ले लें, वो थोड़ा डाल लें, और थोड़ा सा आपने इसमें बेसन डाल देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। लहसुन पाउडर मैं डालना भूल गई थी, बाद में याद आया, तो वो भी मैंने इसमें डाल दी है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है। लहसुन जो है ना, आप घर का फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी चॉप करके इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो आप पाउडर डाल दें। अच्छा, मैरिनेशन यहाँ पर देख लें कितनी अच्छी रेडी हो गई है। अगर मैरिनेशन आपकी नहीं ठीक से रेडी हो रही, तो इसमें आपने सरका ऐड करना, विनेगर ऐड करके ना इस तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। फिश को आपने अच्छे से जो है ना सारा मसाला लगाना है, आगे पीछे इसकी हर जगह पर लगा देना है। तो मैं इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में बता रही हूँ, और इस तरह से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि आप जो है ना मसालों के जो नाम है ना थोड़े से उर्दू में लिया करें, हमें नहीं समझ आती है। तो मैं इसलिए आप लोगों को एक एक चीज़ डिटेल में अब बता रही हूँ। ओवरनाइट मैरिनेशन ना ज़्यादा अच्छी रहती है। मुझे तो वैसे ये कल करके रखनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि मुझे ये वीडियो शूट करनी थी, आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो इसलिए मैंने इसको ना इस टाइम पर आकर जो है ना सारा मैरिनेट किया है, और बस आधे घंटे तक मैं इसको फ्राई भी करूँगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट ही इसको बस मैरिनेट करके रखेंगे तो अच्छी बनेगी, अभी भी करके आधे घंटे पहले भी करके रखेंगे ना तो वह भी अच्छी बनेगी। फिश के साथ मैं बना रही थी चिक पीस राइस, और ये ग्रीन चिक पीस मैं फर्स्ट टाइम लेकर आई थी, और मैंने सोचा ट्राई करते हैं, मैंने कभी ये ट्राई नहीं की यहाँ पर, तो मुझे मिले तो मैंने कहा चलो इस बार ले आती हूँ। और जो निकालने बैठी और किसी काम के जो है ना ये चिक पीस नहीं थे अंदर से, लाइक एक तो ये ग्रीन कलर के होते हैं ना, डार्क ग्रीन होते हैं, तो ये वाले जो थे ना ये बिल्कुल वाइट थे, अजीब से ही थे। अब मैं लेकर आई थी, मैं पहन तो सकती नहीं थी, ऑफकोर्स मुझे बनाने ही थे, तो मैंने कहा पता नहीं मैं क्या ले आई हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे पता नहीं तुम कौन कौन सी वेजिटेबल्स ले आती है जो मैंने कभी खाई भी नहीं होती। मैंने कहा नहीं, मैंने खाई हुई है, मुझे आइडिया है, तो मुझे बनाने भी आती हैं, लेकिन अब ये चिक पीस वैसे नहीं है जैसे मैंने सोचे थे। यहाँ पर ना वेजिटेबल्स इसी तरह की मिलती हैं, अजीब सी होती हैं, कुछ समझ ही नहीं आती किस तरह की वेजिटेबल्स हैं यहाँ पर। इतना टाइम लगा के मैंने निकाले, और ये इतनी ज़्यादा देखने में लग रही थी, और ये बस इतने से चिक पीस इसमें से निकले थे। मैं राइस बना रही हूँ इंस्टेंट पॉट में, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी बन जाएंगे, और मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ आपने किस तरीके से इसको इंस्टेंट पॉट में बनाना है। ये सबके लिए, जो लोग इंस्टेंट पॉट यूज़ करना चाह रहे हैं, जिनको चाहिए कि भाई राइस उन्होंने इंस्टेंट पॉट में बनाने हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है, लेकिन इंस्टेंट पॉट पर राइस बहुत अच्छे बनेंगे, आप ज़रूर ट्राई करना। सबसे पहले मैंने प्याज लिया था, उसको मैंने फ्राई कर लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, और जैसे हम लोग पुलाव के लिए कलर निकालते हैं थोड़ा सा प्याज का, वो बस कलर जैसे उसका गोल्डन ब्राउन हो गया था, तो एक डाइस टोमेटो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अच्छा, आप टमाटर जो है ना आप इसको प्यूरी बनाकर भी डाल सकते हैं, अच्छे से जो है ना इसकी प्यूरी बना ले, वो भी ऐड कर दें। अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते, आप योगर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप वो भी नहीं डालना चाहते, दोनों चीज़ें स्किप करके भी आप पुलाव बना सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्योंकि मुझे ना टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं, तो हर चीज़ में मैं पुलाव में ज़रूर डालती हूँ। फिर मैंने इस पर थोड़े से ग्रीन चिलीज डालती थी, क्योंकि इसके साथ जो है ना थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। मसालों में मैंने इसमें नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दिया था। जैसे टमाटर गल गए थे ना इसमें, तो मैंने चिक पीस ऐड कर दिए थे, बस इसको मिक्स किया। पानी मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें डाला है, और चिक पीस क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेते हैं इसको कुक होने में, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको जैसे प्रेशर को ऑन कर दिया था। ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती इंस्टेंट पॉट पे। चिक पीस डाल के मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रेशर को ऑन किया, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं इसको कुक करना। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ हरी चटनी, और फिश के साथ बना रही हूँ, क्योंकि मैं जो ना योगर्ट और ये चीज़ों का यूज़ नहीं करती फिश के साथ। अगर इमली की चटनी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पर मिंट और धनिया की चटनी बना रही हूँ। तो इसमें जो मैंने चीज़ें डाली है ना, उसमें मैंने धनिया है, पुदीना है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, और एक क्यूब मैंने डाली थी लहसुन की। इसमें थोड़ा ज़ीरा डालना है, नमक और गरम मसाला डाल देना है। पानी का इस्तेमाल नहीं करना आपने, वरना चटनी बहुत ज़्यादा जो है ना थिन हो जाएगी। आज मुझे आप लोगों ने कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि फ़िश के साथ हम डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे फ़िश के साथ अगर आप किसी डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं तो आपको स्किन डाइजीज़ होता है, क्या होता है ये इस यहाँ सिर्फ एक मिथ है, आई डोंट नो, लेकिन आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है इस बारे में। तो मैं आप लोगों के रिव्यूज़ देखना चाहती हूँ इस पे कि क्या क्या आते हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट से ना बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, तो मुझे काफ़ी आइडियाज़ हो जाते हैं कि क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगता है आप लोगों के।
अच्छा, चिक पीस को ना मैंने 5 मिनट के लिए रखा था इंस्टेंट पॉट पे, तो 80% कुक हुए थे। इसमें मैंने राइस डाले हैं और 10 मिनट के लिए मैंने इंस्टेंट पॉट को फिर से ऑन कर दिया था थोड़ा सा पानी डाल के। और उसके बाद ये देखें कितने अच्छे राइस इसमें बने हैं। मैंने फर्स्ट टाइम कुक किए हैं इंस्टेंट पॉट पर राइस, और रिजल्ट आपके सामने है। मैं तो खुद हैरान हो गई हूँ, और बहुत जल्दी इसमें राइस बन जाते हैं। फिश को मैंने साथ में फ्राई कर लिया था। इस पर फिश इतनी मज़े की बनी थी कि बस मैं क्या आपके सामने अपनी तारीफ करूँ, लेकिन वाकई बहुत अच्छी फिश बनी थी। इसलिए मैंने आपको ये रेसिपी बताई है कि आप ज़रूर ट्राई करना। हमेशा मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो मेरी अच्छी बनती हैं, वरना ये तो कोई भी नहीं शेयर करेगा कि यार मेरी चीज़ अच्छी नहीं बनी तो मैं क्यों आप लोगों की चीज़ें ख़राब कराऊँगी। तो ज़रूर ट्राई करना आप ये रेसिपी। और राइस भी बहुत अच्छे बने थे, लेकिन चिक पीस का मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं खाली पुलाव खा रही हूँ कि क्या उसमें कोई फ्लेवर भी है किसी चीज़ का कि नहीं, कुछ पता नहीं चला था मुझे। लेकिन ग्रीन चटनी के साथ फिश का तो बहुत मज़ा आया था। आज डिनर थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन जो एंड अप रिजल्ट था ना, अच्छा था। मतलब मज़ा आया था डिनर का बहुत। तो यहाँ पर मैं ना कुछ क्लिप्स ऐड कर रही हूँ अपनी बर्थडे की। और फ्राइडे को मेरी बर्थडे थी और मैंने पूरा व्लॉग शूट नहीं किया था उस दिन, लेकिन हम लोग रात के टाइम डिनर के लिए गए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग शूट करके थोड़े से क्लिप्स ऐड कर देती हूँ। क्योंकि मुझे एक तो सबका थैंक्स कहना था जो मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं, ऑफकोर्स मेरे जो सब्सक्राइबर्स भी हैं वो भी मेरे मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते हैं। मुझे आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस आए थे बर्थडे विशेस के, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस थे। और कितने लोगों को तो मैं जो है ना रिप्लाई भी नहीं कर सकी, और काफ़ी लोगों के मैं स्क्रीनशॉट भी नहीं लगा सकी बर्थडे विशेस के। जितने मैं लगा सकती थी मैंने लगाए, और काफ़ी लोगों के ना पेंडिंग पे थे कि मैं कर लूँगी नेक्स्ट डे सबके लगा दूँगी, लेकिन नहीं हो सका, मुझे टाइम नहीं मिला। तो उन सबको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ जो कि अभी मुझे वॉच कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए। दिल खुश हो गया था इतने सारे मैसेजेस देख के कि यार इतना आप लोगों ने प्यार दिया, इतने सारे जो आप लोगों से रिस्पेक्ट मिलती है ना मेरे लिए, बस वो ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। और हम लोग ना यहाँ पर आए थे ऑलिव गार्डन डिनर के लिए। आहत की रिक्वेस्ट थी कि मामा की बर्थडे हो ना, तो हमने यहीं पे डिनर करना है। तो इनका फूड मेरा भी बहुत फेवरेट है, लेकिन आहत का मुझसे भी ज़्यादा शायद फेवरेट हो गया। आप तो आज जो है ना, हम आहत की रिक्वेस्ट पे ही यहाँ पर आए थे। तो बच्चे यहाँ पर इंजॉय करते हैं, उनको यहाँ का फूड बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हलाल ऑप्शंस तो अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ पर आकर ना, मेरा जो सबसे फेवरेट है ना वो इनका है 5 चीज़ी थी। बहुत अच्छा, बहुत मज़े का होता है, तो मैं बस वही लेती हूँ। और साथ में इनकी जो होती है ना फ्रेशली बेक्ड ब्रेड्स होती हैं, जो कि अनलिमिटेड होती हैं, आप जितनी मर्जी यहाँ से ले सकते हैं, वो बहुत मज़े की होती हैं। और साथ में हम लोग सैलड बाउल लेते हैं, और बच्चों के लिए पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं, साथ में फ्राइज़ होते हैं। तो बस ये हम लोग यहाँ पर जो है ना फूड लेते हैं, क्योंकि और तो हम यहाँ से चिकन वगैरह तो कुछ खा नहीं सकते। तो सबसे पहले जो ये सर्व करते हैं ना, अपनी फ्रेशली बेक्ड ब्रेड्स होती हैं, साथ में जो सैलड होती हैं इनकी, बहुत मज़े की होती हैं। तो हम लोग तो ना ये आधा खाने से ना पहले ही फुल हो जाते हैं सैलड और ब्रेड के साथ ही। तो ये इतनी सॉफ्ट ब्रेड्स होती हैं ना, और आहत को तो ये इतनी अच्छी लगती हैं कि इसलिए वो स्पेशली यहाँ पर आता है, क्योंकि उसको ना लगता है कि उसका फेवरेट फूड ही यहाँ का। तो यहाँ पे यही खाने से आप इतना फुल हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपना आधा फूड भी ना पैक करवाना पड़ता है, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो मैं हमेशा जो है ना अपना पास्ता घर वापस साथ लेके जाती हूँ और नेक्स्ट डे खाती हूँ। तो ये 2 दिन मैंने मस्ट खाना होता है। तो साथ ही प्राइमार्क था, तो मैंने सोचा अपने लिए जो है ना कुछ देख लेती हूँ। तो गिफ्ट वगैरह पसंद करने आई थी, पर मुझे यहाँ पर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी। एक तो हम लोग लेट काफ़ी हो गए थे, और प्राइमार्क यहाँ पे 9 बजे बंद हो जाता है। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो थे ना 15 मिनट थे। 15 मिनट के अंदर मैं क्या डिसाइड करती हूँ, जो चीज़ें मैं देख रही थी मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा था कि नेक्स्ट वीक आऊँगी, आराम से आकर देखूंगी कुछ चीज़ें, अगर कोई पसंद आएंगी तो लूँगी, नहीं यहाँ से ना आए तो फिर किसी और स्टोर से देख लूँगी। लेकिन अब क्योंकि सब कुछ ही बंद हो रहा था, तो फिर मैं कहीं जा नहीं सकती थी। तो यहाँ से बस मैंने मेकअप ले लिया था, मुझे 1-2 चीज़ें अच्छी लगी। यहाँ पर ब्लशन अच्छा था और परफ्यूम अच्छी लगी, तो मैंने वो चीज़ें बस यहाँ से ले ली थी। तो उसके बाद हम लोग जो है ना अभी केक खाने के लिए जा रहे थे, तो हमने सोचा रास्ते से जो है ना कहीं से पेस्ट्रीज वगैरह ले लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे पेरिस ब्रिगेड। हमने सोचा यहाँ से जो है ना कुछ डिसाइड में ले लेते हैं, केक वगैरह खा लेते हैं। मेरा प्लान था कि कल जो सैटरडे है ना, तो हम लोग कल केक खा लेंगे, पर
रात कह रहे थे कि नहीं है मामा, आज ही बर्थडे तो आज ही हम केक खाएंगे। तो इतना ज़्यादा मैं केक लेके जाना नहीं चाह रही थी घर में, तो हमने वहीं पे बस जो है ना दो पेस्ट्रीज ले ली थी। तो ये मेरी बर्थडे भी हो गई थी और मज़ा आ गया था, हमने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी अच्छी बर्थडे होगी, मज़ा आ गया था। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो अगर ब्लॉग अच्छा होगा ज़रूर आपने कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, अपनी दुआ में याद रखिएगा बहुत। अल्लाह हाफिज़।